उत्तरकाशी में जिला सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन की जानकारी दी, जिसमें अगले 1 अगस्त से मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को लिंक करने की मुहिम शुरू करने जा रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे थे, लेकिन सोमवार को उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत से तत्काल कोई राहत नहीं मिली। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वे चाहें तो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल इस संबंध में संशोधित किए गए कानूनी प्रक्रियाओं को लागू करने की अधिसूचना पिछले महीने ही जारी कर दी थी। अब चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे उम्मीद है कि लाखों कथित फर्जी वोटरों का नाम मतदाता सूची से बाहर हो सकता है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। 10 अगस्त से अभियान प्रारंभ हो गया है और हमारे बीएलओज ईआरओ एआरओज उनके पास हमारा फॉर्म 6B यानी कि 6 ख उपलब्ध है, और जो भी वोटर से वो वहाँ से उसको प्राप्त करके उसको भर फिलअप करके हमारे वापस बीएलओ को जब सबमिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये ऑनलाइन प्रक्रिया भी है इसमें, जिसमें हमारा गरुड़ ऐप है और वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन है।